एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ यूनिक सी चैलेंज, एंड वो है हमें ब्रश पेन से करना है कलरिंग। एंड हमारे पास है टोटल 5 ड्राइंग्स, मतलब हो गए टोटल 5 राउंड्स। एंड अब आगे मम्मा बताएंगे वो यूनिक कैसे हुई, क्योंकि हमें वो करनी है लेफ्ट हैंड से। हाँ, वो मेन चीज है इस गेम में, लेफ्ट हैंड चैलेंज। उसमें हमने कोई टाइम लिमिट सेट नहीं की है, जिसका फर्स्ट ओवर हो जाएगा वो मतलब फिर दूसरे राउंड पे मूव ऑन कर देना है। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, एंड हम दोनों राइटी है तो हमारे लिए डिफिकल्ट रहने वाला है। फर्स्ट राउंड में हमारे पास है एक ये वाला ड्राइंग, जिसमें है हाउस एंड लाइक ऊपर स्काई, मतलब पूरा ऐसा सीन है एंड उसमें हाउस है, कुछ ट्रीज भी है। तो स्टार्ट करते हैं ब्रश पेन से कलरिंग करना। एक्चुअली वैसे ये बहुत इजी ड्राइंग्स है, लेकिन लेफ्ट हैंड से करना है ना तो लाइक थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि एक तो लेफ्ट हैंड से करना है और ब्रश पेन से करना है। एंड कंटिन्यूसली हर एक कॉम्पिटिशन में ये तो होता ही है कि हमें जल्दी पूरा करना होता है, तो वो भी एक तो माइंड में रखना है। एंड ये बन गए हम दोनों के हाउसेस, कलर हो गए। और फर्स्ट लाइक पेंटिंग ने क्या हुआ, और फिर यहाँ पे येलो कलर मैंने कैसे किया है, काफी मस्त लगता है। मतलब आपको भी लग रहा है ना कि ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है कुछ ना? भी मतलब कुछ भी, अपना ग्रास तो देखो ये मतलब ऐसे ऐसे कैसे ग्रास होती है, लाइक बीच बीच में व्हाइट ग्रास, देन ग्रीन ग्रास, व्हाइट ग्रास, ग्रीन ग्रास। तो आप बताया गया कि क्या हो रहा है ये? नहीं नहीं, किसका पेंटिंग कलरिंग ज्यादा अच्छे से हो गया अच्छा है। हो रहा है। और अब हम करते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड पर। सेकंड राउंड में हमें मिला है ये, अब देखते हैं इसका कौन सबसे पहले कलरिंग कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने सोचा कि इसका आउटफिट थोड़ा सा ब्लू टच में रखता है, एंड मम्मा ने सोचा कि ऑरेंज टच में रखता है। फिर कैप में भी थोड़े से चेंजेस हुए हम दोनों के कलरिंग्स में, एंड ऑफ कोर्स शूज में भी। फिर टूल मैंने ना पिंक कलर का कर लिया, कैसा लग रहा है? अरे अरे मम्मा, आपने यहाँ पर इसके पैरों में तो स्किन कलर ही छोड़ दिया, मतलब ये क्यों किया आपने? छोड़ नहीं दिया मैंने तो, मतलब ये तो सबको दिख रहा है, आपको भी लग रहा है कि हाँ छूट गया है मेरे से, फिर आप एक्सेप्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं। अरे बट मैंने छोड़ नहीं दिया वो, मैंने उसको व्हाइट सॉक्स पहना है। स्मार्ट, काफी ज्यादा ब्रेन्स यूज करता है मम्मा। ये भी व्हाइट लाइक उसके सॉक्स है, एंड ये शूज में भी उसकी पैटर्न है। ऐसी पैटर्न होती है क्या? अब लाइक मेरी मर्जी में करवा सकती हूँ ना उसको पेंटिंग, कोई बात नहीं। वैसे मैंने क्या किया है कि इसका जो लाइक जनरल जो यूनिफॉर्म होता है ना, उस टाइप से, मतलब मुझे ऐसा नहीं पता है कि मैकेनिक का सिर्फ यही यूनिफॉर्म होता है ऐसा, लेकिन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ब्लू कलर ही हो। मतलब मैंने ट्राई किया है कि थोड़ा सा स्काई ब्लू ब्लू इस टाइप से करे, फिर ये ना शूज एंड कैप दोनों का कलर कॉम्बिनेशन ही सेम। बोलो बोलो बोलो। हाँ, और यहाँ पर मैंने रेड किया है तो फिर शूज में भी नीचे मैंने रेड कर दिया। फिर मैंने सोचा कि ये ना थोड़ी सी लाइक सोचा रिया ने सोचा कि लाइक ये जो मैकेनिक है वो भी उसकी तरह इतना मैचिंग कर रहे होंगे तो यूनिफॉर्म के मतलब हेड जैसे शूज पहनते होंगे। हाँ, और मैंने ये किया कि ये जो मैकेनिक है ना उसके हाथ में ये जो उसका टूल है उसमें पिंक कलर किया। ज़्यादातर लोगों के पास होता है इस टाइप का सिल्वर कलर, मतलब स्टील टाइप का, वो एकदम पुराना हो गया है। सो आई थॉट कि ऐसा कुछ पिंक टाइप कलर करते हैं। मेरा हो गया, आपका? थैंक यू, मुझे बोलने का एक दो लाइन बोलने का मौका देती हो तुम। यू आर मोस्ट वेलकम, माय प्लेजर। वैसे आपने देखा है कहीं पर टूल्स मल्टी कलर के निकले नहीं अभी तक? निकल जाएंगे मार्केट में, हम इन्वेंट करेंगे। एनीवेज मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड। हमारा जो नेक्स्ट ड्राइंग है ना वो ये है एरोप्लेन, एंड इसमें मम्मा आप मेन कलर कौन सा अप्लाई करने वाला है वो चलो देखते हैं। चलिए। मम्मा ने ना सबसे पहले क्लाउड्स को फिल किया और मैंने सबसे पहले प्लेन को कलर किया। प्लेन को मैंने सोचा डार्क ब्लू एंड स्काई ब्लू देते हैं, और मम्मा ने सोचा कि स्काई ब्लू के ऊपर ऑरेंज देते हैं। वाह मम्मा, आपका प्लेन सबसे बेस्ट है, मतलब ऐसा सेम टू सेम प्लेन ना बनाना चाहिए रियल में, है ना? मतलब हमारी मर्जी, लाइक बना सकते हैं ऐसा भी, ये थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा
थोड़ा सा ये मम्मा ने क्या किया एक्चुअली लाइक पूरा मैंने स्काई ही किया, फिर मुझे लगा कि ऑल ओवर सेम अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो उसके ऊपर कुछ डाल देंगे, मतलब दूसरा कलर करूंगी, लेकिन उसके ऊपर ऑरेंज या फिर येलो करते हैं। हाँ, ये ठीक ठाक है, चलो तुम्हारा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारा लिविंग रूम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड वैसे ना मुझे ये फ्लावर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, आई थिंक उसमें तो मैं करने वाली हूँ पिंक कलर, बिकॉज पिंक मेरा फेवरेट कलर है। मैं करने वाली, तो मैंने स्टार्ट किया सोफा से एंड मम्मा ने क्लॉक और प्लांट से स्टार्ट किया। सोफा पर मैंने किया पिंक कलर और मम्मा ने किया स्काई ब्लू एंड येलो कलर, मैंने पिंक एंड येलो कलर किया। कलर कॉम्बिनेशन वैसा कैसा लग रहा है आपको? एंड एक्चुअली मम्मा ने तो कैबिनेट में पूरा का पूरा ऑरेंज ही कर दिया, मैंने पर्पल और स्काई ब्लू किया। फिर तो बस मैंने प्लांट एंड क्लॉक में कलर कर लिया और मम्मा ने फोटो फ्रेम एंड सेंटर टेबल में। वैसे इस फोटो फ्रेम के अंदर के फोटो का आपको कुछ आइडिया है तो मुझे कमेंट करके बताना। ये देखिए फ्रेंड्स, मतलब सोफा का कलर तो आप देखिए कितना मस्त लग रहा है, प्रीटी लग रहा है। एक मिनट, तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा, तो एक आध नेप भी ले लूँ मैं। नहीं नहीं, मतलब मुझे सिर्फ इतना ही बताना था। और ये फ्लावर मैंने किया है पिंक और मम्मा ने कौन सा किया है, येलो कलर का फ्लावर। क्यों, येलो फ्लावर नहीं होते है? होते हैं ना, लो बोलो पिंक नहीं। और एक बात कि यहाँ पे ना, मतलब मैंने ऐसा सेम टू सेम मैचिंग किया है कि सेंटर टेबल भी लाइक ये वाले सोफा सेट का कैसा है कि मैचिंग है, तो वैसे ही मैंने किया है। एक्चुअली मुझे लगता है कि मुझे ना लाइक मोबाइल एंड ईयरफोन लेके आने की जरूरत थी। एंड मैंने ना ये फ्रेम में टी की है, टी मतलब काफ़ी मस्त, माँ को ज़्यादा पसंद है ना, तो इसलिए मैंने टी की है। लेकिन ये आपने फोटो फ्रेम में क्या किया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लाइक ऐसा ही फोटो फ्रेम किया है मैंने, ऐसे ही फोटो फ्रेम हाफ में स्लेंटिंग, हाफ में येलो कलर। उसमें मैं सोच रही हूँ कि सेम टू सेम करके यहाँ पे लगवाऊँ, हमारा नेक्स्ट राउंड पर मूव ऑन करते हैं। एंड वैसे आपकी तरह अगर मैं भी बोलूँ ना थोड़ा, श्योर हाँ, तो आजकल ऐसे कौन डबल कलर के सोफे रखता है? ये हमारा सोफा ही डबल कलर से है, बट उसमें ना कैसा है, कूल कलर से, वाइट एंड ब्लू, ये तो पिंक एंड येलो। तो ये जो लास्ट वन है उसको तो ऐसा बनाना है कि लाइक देखते ही खाने का मन हो जाए। हाँ, एंड इसमें ना मोस्ट ऑफ आएगा चॉकलेटी कलर, मतलब ब्राउन कलर, एंड कहीं कहीं पर शायद हम वाइट कलर भी लाइक ऐसे ही का ऐसा ही ब्लैंक पेज छोड़ सकते हैं, बिकॉज स्केच पेन में वाइट कलर होता नहीं है, एंड आइसक्रीम में वनीला फ्लेवर होता है ना, बट हो सकता है कि हम पूरा वाइट क्यों करना है, लाइक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम होता है, पाइनएप्पल आइसक्रीम होता है। हाँ, वो भी है, काफी सारे फ्लेवर्स है, काफी सारे कलर्स है, तो हम पूरा चॉकलेट ही क्यों करेंगे, मतलब तुम्हें लाइक ज्यादा पसंद है तो तुम कर सकती हो, तो मैं तो ना उसको लाइक, तो इसका मतलब है कि मम्मा ना उसको चॉकलेट ही पूरा करने वाला है या फिर अलग अलग लाइक फ्लेवर्स वाला करने वाला है। मैंगो एक लाइक थोड़ा मैंगो होगा, स्ट्रॉबेरी होगा, ऐसे भी कर सकती हूं, पाइनएप्पल होगा, लाइक लीची होगा, लाइक मेरा आइसक्रीम है तो मैं कैसे भी इसको कर सकती हूं। तो ये है आज के इस चैलेंज का फाइनल लास्ट ड्रॉइंग, तो इसको तो इतना मस्त बनाना है ना कि मतलब देखते ही खाने का मन हो जाए, जैसे कि मम्मा ने कहा। ये देखिए, सो ये देखिए कितना बढ़िया आइसक्रीम है, एंड ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है, तो ये रिया बताएगी। बाय द वे, ये हाफ हाफ क्या है? नहीं, जस्ट ऐसे डिज़ाइन, पैटर्न डिज़ाइन, डिजाइनिंग, पैटर्निंग, मतलब जितना पॉसिबल था सारे वर्ड्स दे दिए, मतलब ये नहीं कि ये छूट गया है। हाँ, मतलब ये किसी कुछ लोग होते हैं कि डबल कलर्स यूज नहीं करते हैं, फिर ये टॉपिंग्स में भी मल्टी कलर वाले नहीं, सेम कलर मेरी मर्जी, तो कुछ लोगों का मन ही ऐसा होता है कि नहीं हमें तो एक ही कलर एक करना ही फ्लेवर है, का मतलब उसका टॉपिंग भी मुझे तो वही चाहिए, तो अब हम उन लोगों तो का क्या कर सकते? अच्छा है कि मैंने ये स्प्रिंकल भी सेम कलर की नहीं ली, क्यों नहीं ले सकते तुम बताओ? ले सकते हैं ना केसर पिस्ता आइसक्रीम, आपने ठीक ठाक जल्दी कर लिया, वैसा कुछ नहीं है ऐसा, मतलब आपने जल्दी कर लिया। हाँ, लेकिन लाइक ब्यूटीफुल किसका लग रहा है आप ही देखिएगा, मतलब ज्यादा ब्यूटीफुल किस एंगल से ये ब्यूटीफुल लग रहा है, नहीं मतलब अगर हम इसे छोड़ दें या फिर आप ऐसा सोचें कि इसमें मैंने पूरा ऑरेंज कर लिया होता तो किसका ब्यूटीफुल लग रहा है। Oh, no. लेफ्ट फ्रेंड से एक्चुअली हम दोनों राइट ही है, तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि लेफ्ट फ्रेंड से, और वो भी
ब्रश पेन से कलरिंग करना, कुछ कुछ जगह बाहर भी निकल गया है एंड कुछ कुछ जगह ना ऐसे व्हाइट व्हाइट स्पेस भी रह गई है, एकदम पर्टिकुलर नहीं हो पाया यस, लेकिन हमने ट्राई किया कि हमारे से परफेक्ट हो पाए। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। कैसा लगा आपको ये चैलेंज एंड ये वीडियो? हाँ, एंड मिलते हैं कल कुछ इंटरेस्टिंग थिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।